प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर हिसार से। आपको बता दें कि हिसार में कांग्रेस के द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई है। बता दें कि बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये साइकिल यात्रा निकाली गई है और पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान से ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता हरपाल बुरा ने भाजपा की सरकार पर निशाना साधा है और उनका कहना है कि ये सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से फेल हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी के घर का बजट सरकार के द्वारा बढ़ाई गई महंगाई से बिगड़ गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि हिसार में कांग्रेस के द्वारा आज के दिन ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। बता दें कि बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा साइकिल यात्रा प्रदेश में निकाली जा रही है और हिसार में ये यात्रा पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान से निकाली गई है। तो वहीं कांग्रेस नेता हरपाल बुरा ने भाजपा की सरकार पर निशाना साधा है और उनका कहना है कि ये सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से फेल हुई है। इसके साथ ही हरपाल बुरा ने कहा कि आम आदमी के घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है और बढ़ती हुई महंगाई पर ये सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है कांग्रेस नेता हरपाल बुरा का। 7 तारीख को ब्लॉक स्तर पर और 10 तारीख बाद जिला सत्र पर साइकिल यात्रा निकाल करके बढ़े हुए दामों का, महंगाई का, पेट्रोल डीजल की, रसोई गैस का, दालों का, तेल की जो बड़ी कीमतें उसकी वापस लेने की मांग करते हैं। और ये तब तक कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रहेगी जब तक ये अपने मूल्यवृद्धि को वापस नहीं ले लेती। हिंदुस्तान के अंदर 50% टैक्स के रूप में लिया जाता है तेल के ऊपर। अगर वो 50% से अगर 30% घटाकर जनता का वो जो ना सहायता कर सकती है और मूल्य घटा सकती है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खुदरा तेल की कीमत जितनी कम होती जा रही है टैक्स लगाकर उतना ही बढ़ाया जा रहा है, जितने खुदरा तेल की कीमत कम होती है उसका लाभ अपने खजाने भरने का काम करती है, जो जनता के कल्याण के कार्य के लिए ठीक नहीं है। सरकार का काम बगैर टैक्स लगाए जनता की भलाई करना है, इसीलिए बड़ी कीमतों को वापस ले हम मोदी सरकार से और खट्टर सरकार से मांग करते हैं कि जो हरियाणा के अंदर 31% टैक्स